हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पंज रोलर से अच्छे फिनिशिंग आती है पेंट करने में, या फिर ये कॉटन रोलर से, या फिर हमारे ब्रश की मदद से अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि स्पंज रोलर वर्सेस कॉटन रोलर वर्सेस ब्रश, तीनों में से अच्छी फिनिशिंग कौन देता है हमारे जो वॉल होती है उसके ऊपर। उसके लिए आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हमने प्लास्टर वॉल ली है, इसके ऊपर हम ये हमारा जो वॉल प्राइमर है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला वॉल प्राइमर करके ये तीनों की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी फिनिशिंग अच्छी आती है। आपको कौन सी फिनिशिंग अच्छी है वो हमें कमेंट में बता सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने एक पेंट की ट्रे ली और उसके अंदर से मैं कलर पहले प्राइमर बनाऊंगा और फिर वॉल के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने पेंट ट्रे ले ली है और ये हमारा वॉल प्राइमर है, इसे मैंने पहले अच्छे से हिला के रख दिया और फिर भी मैं इसके अंदर एक बार डालूंगा और फिर अच्छे से हिलाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्पंज रोलर से थोड़े से पार्ट में हमारा जो वॉल प्राइमर अभी इसमें हमने ट्रे में निकाला है वो करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसे करूंगा और लास्ट में हम ब्रश का यूज़ करके इसके ऊपर अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों चलो, मैं आपको अभी वॉल पे लेकर जाता हूँ। रुक जा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, मैं अभी ये वॉल पर स्पंज रोलर की मदद से अच्छे से किया हूँ। उसमें दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कलर के ये अभी ये वाइट वाइट दिख रहे हैं वो दाने वगैरह है तो इसके अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, ये पट्टे में मैंने ये हमारा स्पंज रोलर है उसके मदद से अच्छे से पूरा पट्टा कवर कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं ये वाला कॉटन का जो रोलर है वो यूज़ करूँगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो स्पंज रोलर है उससे ज़्यादा ये कॉटन के रोलर में आता है, क्योंकि कॉटन भी कलर को सक करता है, इसके वजह से इसमें मटेरियल ज़्यादा आता है। रह जा करी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कॉटन के रोलर के अंदर और हमारा जो स्पंज रोलर किया था उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि ये जो वॉल है उसमें थोड़ा दाने जैसा फिनिशिंग आता है कॉटन के अंदर, और सूखने के बाद ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है, उसके अंदर बबल हो सकते हैं वैसा हो सकता है। और ये हमने जो कॉटन का रोलर लिया था उससे आप काम भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल ज़्यादा आता है तो एक बार में हम ज़्यादा कवरेज इससे ला सकते हैं। अब दोस्तों, हमने स्पंज रोलर और कॉटन के रोलर से कर लिया, अब बारी है ब्रश की। तो यहाँ पे मैं आपको ये ब्रश की मदद से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने जो स्पंज रोलर और एक कॉटन के रोलर से किया उसमें इतनी शाइनिंग या फिर व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है, पर जब हमने ब्रश से किया तो काफ़ी अच्छी तरीके से व्हाइट हो रहा है, यानी कि व्हाइटनेस के मामले में, यानी कि जो कलर है वो ज़्यादा सब करता है और अच्छे से जो निखर के आता है वो ब्रश में ही आता है, उसके बाद ही रोलर में आता है। तो आप देख सकते हो, अभी मैं आपको तीनों को अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। अब करें, अभी मैं दोस्तों आपको तीनों को दिखा देता हूँ, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है और किस तरह से। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक से, यहाँ तक हमने जो ये पूरा पट्टा किया है वो हमने स्पंज रोलर की मदद से किया है, ये जो बीच वाला पट्टा है वो हमने कॉटन रोलर से किया है, और लास्ट में ये वाला जो पट्टा है वो पूरा हमने ब्रश से किया है। तो आप ही कमेंट में भी बता सकते हो आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है। मेरे ख्याल से आपको अगर एक्सटीरियर में करना है तो ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल भी कच्चे काफ़ी अच्छे से यूज़ होगा और वो शाइनिंग भी आएगी। ये दो रोलर है, स्पंज रोलर और हमारा कॉटन रोलर, वो हम इंटीरियर वॉल में जब फिनिशिंग वाला काम करें तो उसके लिए अच्छा रहता है। इसके लिए एक्सटीरियर रोलर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर स्पंज रोलर और कॉटन रोलर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक तो आप देख सकते हो फिनिशिंग आती है, नो प्रॉब्लम, ब्रश से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ब्रश में आप देख सकते हो लाइन वगैरह आ रही है और इसके अंदर आपको प्रॉपर वॉल फिनिशिंग के साथ दिख रही है, पर उससे अच्छा ये शाइनिंग ज़्यादा करता है। और एक्सटीरियर में हमें, आपको पता ही है, प्राइमर करना है, तो फर्स्ट कोट में हमें
जो प्लास्टर होता है उसे अच्छे से दबाना ही होता है। इसके लिए एक्सटीरियर अगर कर रहे हो तो ब्रश पहले यूज़ करो और उसके बाद सेकंड कोट के या फिर थर्ड कोट में आप जब करो तब वहाँ पे रोलर का यूज़ कर सकते हो। इंटीरियर में आप ब्रश और रोलर दोनों का यूज़ करोगे तो ये इस तरह के अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी प्राइमर में ही। इसके बाद आप पेंट करोगे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आएगा। आपको तीनों सामने ही दिख रहे होंगे, ब्रश, कॉटन रोलर और स्पंज रोलर, तीनों में से आपको कौन सा अच्छा फिनिशिंग देगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई भी पेंटिंग रिलेटेड वीडियो देखनी तो आप चैनल पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हो, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।